नमस्कार, मैं हूं अदिति। फैक्ट चेक में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया के जमाने में हर दिन कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियोस वायरल होते हैं जिनका सच्चाई से दूर दूर तक नाता नहीं होता। ऐसे में सबसे जरूरी है कि हम इस तरह की फैलाई गई खबरों के प्रति जागरूक रहें और आंख मूंद कर उन पर विश्वास न करें। कई खबरें तो किसी सार्वजनिक हस्ती की इमेज तक खराब कर देती हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियोस होते हैं जिनका समाज पे गलत असर पड़ता है। खबरों की इस बाढ़ में जरूरी है कि हम जिन फोटोज या वीडियोस पे संदेह है उसे फैक्ट चेक कर लें। आज ऐसी ही कुछ खबरों की हम पड़ताल करेंगे और उनके पीछे का सच आपके सामने लाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वायरल हो रहे उस वीडियो की जिसमें उत्तर प्रदेश के मंत्री ओपी राजभर और उनके बेटे अरविंद राजभर को फूट फूट कर रोते हुए देखा जा रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो के जरिए ये दावा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनावों में घोसी सीट से अरविंद को मिली हार के बाद का है। पड़ताल में आगे वायरल दावे का पूरा सच क्या है वो देखेंगे। दूसरी खबर में उस वायरल वीडियो की पड़ताल करेंगे जिसमें एक सड़क के किनारे कुछ पासपोर्ट्स पड़े हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो के जरिए कुछ यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि हरियाणा के चकेरिया गांव में फर्जी वीजा और आधार कार्ड मिले हैं। पड़ताल में आगे वायरल दावे का पूरा सच दिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का फैक्ट चेक। उत्तर प्रदेश के मंत्री ओपी राजभर का एक वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों को फूट फूट कर रोते हुए देखा जा रहा है। वीडियो के जरिए कुछ यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि वीडियो लोकसभा चुनावों में घोसी सीट से अरविंद राजभर को मिली हार के बाद का है। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और झूठ सामने आया, देखिए इस रिपोर्ट में। पिलक पिलक कर रोते हुए उत्तर प्रदेश के मंत्री ओपी राजभर और उनके बेटे अरविंद राजभर का एक वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि ये वीडियो लोकसभा चुनावों में घोसी सीट से अरविंद को मिली हार के बाद का है। ओपी राजभर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। वायरल वीडियो में कुछ लोग ओपी राजभर और अरविंद को सांत्वना देते और चुप कराते दिख रहे हैं। वीडियो पे लिखा है, हार बर्दाश्त नहीं हो रही, मरत पाए सार ओपी राजभर। सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स पे ये वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है। कई यूजर्स वीडियो को वायरल करते हुए ओपी राजभर पर तंज कस रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पे ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर को अपने बेटे अरविंद राजभर के साथ पिलक पिलक कर रोते हुए देखा जा रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को हालिया लोकसभा चुनाव के नतीजों से जोड़ते हुए ये दावा कर रहे हैं कि घोसी में बेटे अरविंद राजभर के हारने के बाद का ये वीडियो है। सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स पे वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया भी जा रहा है। ऐसे में फैक्ट चेक टीम ने अपनी तहकीकात की। इसके लिए सबसे पहले वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा गया। वीडियो में अरविंद राजभर और उनके बेटे अरविंद राजभर को रोते हुए भी देखा जा रहा है। वीडियो में ये नजर आ रहा है कि ओपी राजभर कुर्सी पर बैठे एक बुजुर्ग शख्स के पैर पकड़े हुए हैं। इस फ्रेम को देखने के बाद वीडियो की सत्यता पे थोड़ा सा संदेह हुआ, क्योंकि सर्च के दौरान ऐसी कोई भी आधिकारिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे इस दावे की पुष्टि हो सके कि घोसी हारने के बाद ओपी राजभर फूट फूट कर रोए। तो इसके अलावा फैक्ट चेक टीम ने ओपी राजभर के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी खंगाला, लेकिन वहां पे भी वायरल वीडियो को लेकर जो दावा किया जा रहा है वैसा कोई पोस्ट या वीडियो देखने को नहीं मिला। ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पे कसा। तो पहला सवाल ये कि वायरल वीडियो के पीछे की असली कहानी क्या है। दूसरा सवाल ये कि कहीं पुराने वीडियोस को हाल फिलहाल का बता के यूजर्स को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं की जा रही। आइए देखते हैं पड़ताल में क्या सामने आया। इन सवालों का जवाब जानने के लिए गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम ने अपनी तहकीकात शुरू की। हमने देखा कि वीडियो पे प्रतिक्रिया देने वाले कई लोग लिख रहे हैं कि ये वीडियो ओपी राजभर की मां के निधन के बाद का है। इसके अलावा वीडियो में एक जगह @SunitaRajbhar48 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट का वाटरमार्क भी नजर आ रहा है। तो
इस जानकारी की मदद से सर्च करने पर हमें पता चला कि ये वीडियो सुनीता राजभर 48 नाम के अकाउंट से 12 अप्रैल को शेयर किया गया था। यहाँ वीडियो पर लिखा है, माँ को खोने का दर्द, नेताजी ओपी राजभर। दरअसल 11 अप्रैल 2024 को ओपी राजभर की मां जितना देवी का देहांत हो गया था। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के आधिकारिक एक्स हैंडल से इस संबंध में 12 अप्रैल 2024 को एक पोस्ट किया गया था। इसमें ओपी राजभर और अरविंद राजभर की तस्वीरें भी हैं। इनमें उन्होंने वायरल वीडियो जैसे ही कपड़े पहने हैं। इस बारे में और पुख्ता जानकारी पाने के लिए फैक्ट चेक टीम ने ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर से संपर्क किया। इस दौरान उन्होंने ये जानकारी दी कि ये वीडियो उनकी दादी की मृत्यु के बाद का है। विपक्ष के नेताओं में संवेदना नाम की कोई चीज नहीं बची। वो मेरी दादी के निधन के बाद के पुराने वीडियो को लोकसभा चुनाव के संदर्भ में वायरल कर रहे हैं। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाऊंगा। ये वीडियो वाराणसी स्थित हमारे पैतृक गांव फतेहपुर खौदा का है। इस तरह हमारी पड़ताल में से ये साफ हो गया कि वीडियो हाल फिलहाल का नहीं, अप्रैल 2024 का है, जब ओपी राजभर की मां चित्रा देवी की मृत्यु हो गई थी। ज्योति द्विवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो के जरिए यह दावा किया जा रहा है कि हरियाणा के चकेरिया गांव में ढेर सारे फर्जी वीजा और आधार कार्ड मिले हैं। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए पड़ताल करती हमारी ये रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक सड़क के किनारे कुछ पासपोर्ट पड़े नजर आ रहे हैं। वीडियो में कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा कि हरियाणा के चकेरिया गांव के खेत में फर्जी वीजा और आधार कार्ड मिले हैं। फेसबुक पर एक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि फर्जी वीजा आधार कार्ड चकेरिया गांव सिरसा हरियाणा के खेत में मिला। सिस्टम किस तरह चल रहा है, पुलिस अभी जांच कर रही है। अज्ञात लोगों ने देखा और पुलिस को सूचना दी। एक्स पर एक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि ये किसके खेत में इतने फेक आधार कार्ड, इतने फर्जी पासपोर्ट मिले हैं, राष्ट्रीय जांच का विषय, एनआईए जांच करे। सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो खूब शेयर किया जा रहा था। दरअसल सोशल मीडिया पे ये वीडियो खूब तेजी से शेयर किया जा रहा है। वीडियो के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि हरियाणा के चकेरिया गांव के एक खेत में फर्जी वीजा और आधार कार्ड मिले हैं। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ क्या है, ये जानना जरूरी हो गया था। वायरल वीडियो की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने वीडियो की तहकीकात की। इसके लिए वायरल वीडियो को गौर से देखा और सुना गया। इस दौरान ये सामने आया कि वीडियो में दिख रहे लोग पंजाबी भाषा में बात कर रहे हैं। आप भी सुनिए इन आवाजों को। तो सुना आपने, इसे ये इशारा मिल रहा है कि वायरल वीडियो पंजाब या हरियाणा से हो सकता है जहां इस भाषा का ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सर्च के दौरान ऐसी कोई हालिया रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की सत्यता की पुष्टि हो सके, लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पे कसा। तो पहला सवाल ये कि अगर दावा सच है तो ये घटना कब की है। दूसरा सवाल ये कि कहीं पुराने वीडियो को नया एंगल देके अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। आइए देखते हैं एक्सपर्ट टीम के हाथ क्या लगा। वायरल दावे की सच्चाई क्या है, इसके लिए गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम पड़ताल में जुटी। वायरल वीडियो के एक की फ्रेम को गूगल पर रिवर्स इमेज सर्च किया गया। इसके जरिए हमें एक आधिकारिक वेबसाइट पर 12 मार्च 2018 को प्रकाशित एक न्यूज रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट में बताया गया है कि हरियाणा पुलिस को पंजाब के बठिंडा जिले से सटे हरियाणा के सिरसा जिले में 258 पासपोर्ट मिले हैं। इनमें से लगभग 20 के पास विभिन्न देशों के वैध वीजा थे। रिपोर्ट में हरियाणा पुलिस के हवाले से ये भी जानकारी दी गई है कि इन पासपोर्ट के वेरिफिकेशन को लेकर कोई संदेह नहीं है और हरियाणा पुलिस इन्हें इनके मालिकों को भेजने का तरीका तलाशने की कोशिश कर रही है। इससे संकेत लेते हुए संबंधित कीवर्ड से सर्च करने पर हमें YouTube चैनल पर 12 मार्च 2018 की एक वीडियो रिपोर्ट मिली
रिपोर्ट में बताया गया है कि सिरसा के कालावली इलाके के चकेरिया गांव में खेतों में 258 पासपोर्ट मिले हैं। सर्च के दौरान एक आधिकारिक वेबसाइट पर एक रिपोर्ट हाथ लगी। इस रिपोर्ट के जरिए यह जानकारी मिली कि प्रारंभिक जांच के अनुसार ये पासपोर्ट पंजाब के विभिन्न स्थानों में रहने वाले व्यक्तियों के हैं। ये लुधियाना स्थित एक निजी इमिग्रेशन कंपनी के कब्जे में थे। लोगों ने वीजा आवेदन करने के लिए इन्हें इमिग्रेशन कंपनी के पास जमा किया था। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जनवरी 2018 में चंडीगढ़ क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से बठिंडा में भेजे गए करीब 254 पासपोर्ट लापता हो गए थे और अभी तक बरामद नहीं हुए हैं। इमिग्रेशन कंपनी का कार्यालय हाल में बंद कर दिया गया था और कंपनी ने पासपोर्ट के गायब होने की लुधियाना पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि वायरल दावा झूठा है। वायरल वीडियो मार्च 2018 का है, जब पुलिस को हरियाणा के सिरसा के चकेरिया गांव में एक सड़क के किनारे 258 पासपोर्ट पड़े हुए मिले थे। पुलिस के मुताबिक सभी पासपोर्ट असली थे। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।